हमारे सम्माननीय मेहमानों को निमंत्रण देता हूँ, वे मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अंबिकाबेन जी, आदरणीय भाटकर जी, आदरणीय दीपक मिश्रा जी और एकताबेन, सबसे निवेदन है आप मंच पर आएं। रिज्यूविनेट द माइंड, रीराइट द फ्यूचर, अगर उसका हिंदी किया जाए तो मन का कायाकल्प और भविष्य का पुनर्लेखन। ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करता हूँ, वे मंचस्थ हमारे महानुभावों को पुष्पगुच्छ और बैजेस से स्वागत करें। रिसेप्शन सत्र, उद्घाटन सत्र और रियलाइजेशन सत्र में आपने जिनको सुना है, जिनके बारे में सुना है, वे आपके सामने इस विषय पर अपने विचार रखने जा रही हैं। आप अंबिका बहन जी स्पार्क की चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारी इस बेंगलोर की 300 से अधिक ब्रांचेस की वो चीफ रही हैं सब डिवीज़न की, और 4.5 डिकेड्स से 45 वर्ष से इस ईश्वरीय सेवा में लगी हैं। आपने उनको सुना है और तो मैं अधिक क्या कहूँ। आप हैं, ये विषय है और बहन जी हैं। वेलकम बहन जी। ओम शांति। फिर से बोलिए ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मंच में उपस्थित हमारे आदरणीय प्राताए, उनको नमन करते हुए आप सब आदरणीय भाई बहनों को मेरा नमन है। आज की जो सब्जेक्ट है, रेन्यूएट द माइंड एंड रिजुविनेटिंग, ज़रूरत क्या है मैंने ऑलरेडी कह दिया था, लेकिन उसमें इंडिविजुअली रिजुविनेटिंग द माइंड टू रीराइट द फ्यूचर इज वेरी एसेंशियल। इसी बात के ऊपर मैं आपके आगे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये भाषण नहीं कहूँगी, लेकिन ये मेरा दिल की शेयरिंग है। जो आप सबसे निवेदन है कि आप ज़रूर इन बातों को सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन लेना नहीं है, इसको नॉलेज के रूप में लेकर के विजडम में परिवर्तन करके आप अपनी इस जीवन की भविष्य और बाद की जो भविष्य है दोनों को रीराइट करने का जो अधिकार है। रिजुविनेटिंग द माइंड क्यों चाहिए, और माइंड का कनेक्शन सिर्फ हमारे से नहीं, लेकिन माइंड का जो कनेक्शन है वो हमारे परिवार, हमारे साथिया, हमारे ऑफिस, हम जहाँ भी है, हमारी समाज, नेबरहुड, हमारी देश और राष्ट्र तक जाता है। मेंटल पावर्स हम अच्छी तरह से समझने से, वी हैव ए ट्रेमेंडस एनर्जी विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड, चैनलाइज्ड इन अ पॉजिटिव वे for the world benefit, for the benefit of mankind, so only we need to rejuvenate the mind. मैं
उस बात में जाने के पहले कुछ बातें आपके आगे रखना चाहती हूँ। क्यों हम रखना चाहती हूँ कि हमारे पोल्यूटेड माइंड ने क्या क्या किया है और अभी हमें क्या करना है। इसमें वर्ल्ड की अभी वर्तमान हमारे ये देश या जगत की जो प्रॉब्लम है वो क्या है हमें समझना है। ये सारी भूमि माता कहते हैं, धरती माता कहते हैं, धरती माता की हालत क्या हो गया है, पांचों तत्वों की सारी वो अपनी लॉन्ड ऑर्डर को छोड़ चुके हैं ये भी हमें मालूम है। सिर्फ इसके लिए मैं सिर्फ 3-4 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। सिर्फ मैं आपको ये स्लाइड्स दिखाने की भावार्थ यही था कि आपको सिर्फ स्मृति दिलावे कि अभी क्या हो रहा है। हम बहुत सारी संशोधन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लाभान्वित कराया है। जहां हम नहीं पहुंच सकते थे वहां पहुंचाया है। जो कुछ भी हेल्थ वाइज समझ में नहीं आता था उन बातों को पहले से ही मालूम हो वहाँ तक भी हमें विज्ञान ने पहुँचाया है। ये सारा बातें होने के बावजूद भी इस धरती पर क्या क्या हो रहा है। एड्रेसिंग दी डिजिटल डिवाइड, एक तरफ डिजिटल की दुनिया शहरों में देखते हैं तो दूसरी तरफ जहाँ आदिवासी है, जहाँ बैकवर्ड क्लासेस है, उनकी जीवन यहाँ जो इम्बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए हमें नया कुछ सोचना चाहिए। फूड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल बैलेंस एंड काउंटर टेररिज्म, ये जो भी बातें हैं ये जो इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है वो हमें मालूम है। और सभी का हेल्थ अच्छा रहे, सुखी रहे, अनेक भयानक बीमारियों से मुक्त होने के लिए जो भी वैक्सीनेशन संशोधन किया, उपयोग भी हो रहा है समाज में, उसके बावजूद भी जितना भी नए नए मेडिसन, वैसे वैसे नए नए बीमारी, ये मेडिकल फील्ड के लिए सारी मानवता की एक चैलेंज है। उसके साथ साथ जो जनसंख्या के विस्फोट हो रहा है उसके कारण से, उसके रिजल्ट में डिफॉरेस्टाइजेशन जो है, फॉरेस्ट को कटते जा रहे हैं, उसके असर में ग्लोबल वार्मिंग है, जिस कारण नॉर्थ पोल साउथ पोल में जो आइस एवरी डे माइल्स टुगेदर मेल्ट हो रहा है, वो सारा समुद्र में आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ द सी इज़ इंक्रीजिंग। अगर सारे सप्त समुद्र एक हो जाए तो ये धरती रह सकेगा, द क्वेश्चन। तो उसके लिए हमारा प्लान क्या है, उसके लिए हमारा ना इनोवेशंस क्या है। वो ये जो है पॉपुलेशन के कारण जो हमारे ज़रूरतें हैं, ऑयल हो, पानी हो, फूड हो या दूसरे कोई भी बातें हो, हम निकालते जाते हैं, लेते जाते हैं, कंजम्पशन के बावजूद भी जो कमियां पड़ रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है भूमि के अंदर, जो अर्थ प्लेट्स में जो प्रभाव पड़ रहा है, दो ऑयल्स निकालने के कारण, पानी निकालने के कारण, एंड ड्रिलिंग थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स डाउन इनसाइड द अर्थ, उसमें जो प्रभाव अर्थ प्लेट पर पड़ रहा है, तो सिस्मिक जोन्स को छोड़ के और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये जो खतरा हम फेस कर रहे हैं इसके लिए आपका क्या चिंतन है। और जैसे ही पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें जो हमें ज़रूरतें हैं उसका, जितना भी हम ग्रोथ करते जा रहे हैं लेकिन एग्रीकल्चर भी उतना कम होते होते, और पंजाब जो द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया कैंसर के लिए ज़्यादा यूरिया केमिकल्स यूज़ करके बहुत अच्छा सारा ग्रो कर लिया, लेकिन अभी जो उनके जीवन में जो चैलेंज है ये बड़ी खतरे की बातें हैं। उतना देखे तो जितना भी कर रहे हैं ये कमी ही पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि होलिस्टिकली फॉरेस्ट को निकालने के पहले, फिर सारी जो भी हमको करने के पहले, हमें ओवरऑल सब बातें
हमारे आगे रख करके इसकी रिजल्ट्स क्या होगा भविष्य के लिए, भविष्य जनरेशन्स क्या करेगा, ये ना सोच करके करने का जो परिणाम है हम देख रहे हैं। इसमें जो साइक्लिक चेंजेस ऑफ नेचर 30% जो दिख रहा है, वो नेचुरली पांच तत्व अपने अपने रूप से अपने अपने समय पे अपनी अपनी रीति से परिवर्तन करता है। बाकी जो 70% जो इन्वॉल्वमेंट है द ह्यूमन माइंड, द पोल्यूटेड एंड इम्बैलेंस्ड माइंड, जिसके कारण जो कुछ भी हम देख रहे हैं, वो डिजास्टर्स जो हम देख रहे हैं, आतंक जो देख रहे हैं, वायलेंस जो देख रहे हैं, और ग्रीड के कारण एक्सप्लॉयटेशन जो देख रहे हैं, जो कुछ भी है, द 70% ऑफ द इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स द नेचर एंड टू द वर्ल्ड इज द ह्यूमन माइंड। तो अभी हम क्या करें? तो ये सारा देख करके, वर्तमान को देख करके भविष्य को सोचे तो आपका मन में क्या चलता है? हम उज्जवल भविष्य की ओर जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं? इन्वेंशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो लक्ष्य रखा था, तो उसी इम्प्रूवमेंट के ऊपर हम जा रहे हैं? सी, सारी दुनिया को विज्ञान ने, मैंने फर्स्ट डे कहा, ग्लोबल विलेज बना दिया। कम्युनिकेटिंग कंट्री टू कंट्री इज अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, लेकिन कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर्स हार्ट इज सो हार्ड। तो हम अगर घर में कोई सोया है तो उनसे बात करने, उनसे शेयर केयर करने लिए हमें टाइम नहीं है। इज दिस अवर फ्यूचर? इज दिस द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट? इज दिस द ह्यूमन माइंड एंड अवर वैल्यूज वर्किंग विद इन? ये क्या कहे? ये है, हम उज्जवल भविष्य की ओर सोचते हैं, लेकिन सिटिंग इन द पास्ट चेयर। हमारी जीवन में कई बातें ऐसे होते हैं जो घटनाएं जलती है, जो जो हमारे लिए कड़वा है, वो सोच सोच करके भी कुछ नया प्लान्स आता है तो हम आगे जाते हैं, फिर ये जो पीछे के संस्कार हैं हमें खींच जाते हैं। तो ये पोषण फुल इफेक्ट में जो भविष्य के लिए हम सोच करके एक नया भविष्य अपना पर्सनल लाइफ में, अपने वालों को या हमारे समाज के लिए देवे, उनमें हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसमें कई बिलीफ सिस्टम होगा, कई बातें सामाजिक मान्यताओं के अलावा और भी कई कारण हैं जो आप सब जानते हैं, जिस कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। सो वी नीड टू रेजुएनेट द माइंड। सी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज जस्ट नॉट विद द फोर डायमेंशंस, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। डेवलप होना माना डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलप्ड इंडिविजुअल नहीं। द फिफ्थ डायमेंशन विच हैंडल्स द फोर डायमेंशन, द फिजिकली, मेंटली, सोशल एंड इकोनॉमिकली, दिस विल बी कंट्रोल्ड एंड हैंडल इन हार्मोनी एंड इन ए राइट वे एंड इन अ बेनिफिशियल वे। वेन द फिफ्थ नेग्लेक्टेड डायमेंशन, द स्पिरिचुअल डायमेंशन, इज अंडरस्टूड, अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड इन अ प्रैक्टिकल वे एंड चैनलाइज दैट स्पिरिचुअलिटी, अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अ प्रैक्टिकल वे, देर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजुविनेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। वाई ऐसे? मन क्या है, कहाँ है मन, और इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? मन इतनी ज़रूरी है जो इसको कंट्रोल करना ही है हमें? हम ये कहना चाहते हैं कि मन जो है हमारी संकल्प से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वन फॉर वन, बट वेर एज थाट्स वन फॉर टू, द थाट कम्स आउट ऑफ एन इंडिविजुअल, गोज एंड हिट्स द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड कम्स बैक विद अ डबल इफेक्ट। तो इसलिए हमें ये जो संकल्पों को कंट्रोल करना, उसको नई दिशा देना, उसको नए मोड देना, ये स्पिरिचुअलिटी के आधार से चाहिए। और भारत में एक डर है, स्पिरिचुअलिटी माना वो समझते हैं हम पैसे बन जाएंगे, सब छोड़ना पड़ेगा, ये है वो है, जो भी हमारा ये जो बिलीफ सिस्टम है, आप डरिए मत।
Spirituality is not a religion. Spirituality is a lifestyle. It is a discipline. Spirituality is nothing but shifting consciousness to the truth of an eternal self. It is a mental discipline where I have to come back to my original nature, the true nature of my own self. That is what is a spirituality. Or to say, empowering my own mind, empowering my own self to the innate values, the ancient treasures, what I had, what I lost. Coming back to that is spirituality. Nowhere I am connected with any rituals or the religious systems and customs. Spirituality is not at all connected with these things. So, aap sab dariye mat. To man ko apne ko samajhna hai. To man mera hi faculty hai. I am the being of light within. And I have mind, intellect and the sanskaras. The power to think, power to judge, power to think, ye mind hai, man hai, jisko mera man, aapne suna, kal bhi, isko jaise chahiye, hum disha de sakte, apne kaabu mein la sakte hai, but with a practice, with a spiritual, godly wisdom. To isme, to change, sankalpon ko kyun change karna hai, jaise smruti, vaise ruthi bhavana, वैसे दृष्टि हमारी वैसे कृति हमारा बन जाएंगे सहज समझना है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कोई को छोटेपन में कुत्ता काटा है वो बहुत बड़ा हो गया लेकिन कहीं कुत्ता देखता है तो वो जल्दी जल्दी वो कुत्ता अगर प्यार से भी आएगा इसके पास वो भागने लगता है क्यों उनको संकल्प आया कुत्ता काटता है तो उसका दृष्टि बदल गया भावना बदल गई उसका एक्शन फास्ट फास्ट जाने लगा वो और ही भोंग के जाता है तो ये है हमारी संकल्पों की असर हमारी सिर्फ दृष्टि पर भी किसी के प्रति भी हम कभी स्नेह से खुश होते हैं किसी को देख के मुंह ऐसा मोड़ लेते हैं बिकॉज द रिमेम्बरेंस द थॉट कम्स देन थॉट कनेक्ट्स विद द मेमोरी एंड अवर एक्शन चेंजेस तो ये जो रिजुविनेशन क्यों चाहिए हमारे जो भी पास्ट स्टाइल ऑफ थिंकिंग इमेजिनिंग एंड वॉट एवर वी हैव द कमी कमजोरी सोचने में जो होती है स्मृतियों में होती है उसको समाप्त करके वी शुड बी द मास्टर ऑफ अवर माइंड एंड सो दैट दैट मास्टरी चेंजेस द होल बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें वी नीड नॉट टू बी द विक्टिम ऑफ जीन्स बिकॉज मेडिटेशन से जीन्स को भी हम बदल सकते हैं तो वो स्टडीज बाद में शायद हमारे कनिष्क भाई से भी आप सुनाऊंगा की फैक्टर्स टू डिटॉक्स द माइंड टू रिजुविनेशन मीन्स टू मेक द माई माइंड ओल्ड टू न्यू यंग एनर्जेटिक तो इतना जैसे आपने सुना है शास्त्रों में सनत कुमार जो है वो बड़ा ही नहीं हुआ वो सदैव छोटा ही दिखाता है एक ऋषि फिजिकली कोई सदा छोटा नहीं रह सकता है 100 वर्ष तक बॉडी तो ग्रो करके जाता है ये मन की स्टेज है एक योगी जो होता है वो मन से सदैव यंग एनर्जेटिक वेरी पावरफुल पॉजिटिव एंड प्योर रहने के कारण उसका जो ब्रेन है 80 इयर्स ब्रेन विल वर्क एज ए 30 इयर्स ब्रेन विच इज बीन ऑलरेडी रिसर्च बाय अवर वन ऑफ द ब्रदर रंजीत भाई So these are the things which we should know that we have to change our mind and we have to be masters. So now to detox the way of thinking, the way of our sanskaras which is influencing our thinking, that should be there. For that we need to allow daily to flow the positive energy, flow of positive thoughts within, good thoughts within, pure thoughts within, based on spiritual knowledge. Whatever may be negative in front of us, but give it a positive approach. And अभी रोज आप सुन रहे हैं मॉर्निंग 6:30 से 7:30 तक तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आए होंगा तो समय के अनुसार मैं उन बातों में मैं नहीं जाऊँगी Our decluttering the mind, prevention of new waste from getting deposited. तो जो भी मन में है ये काटना है पीछे को पॉजिटिव अलो भी करना है
और नेक्स्ट जो नया अंदर कुछ आने नहीं देना है, ये जो अटेंशन है वो हमारे प्रायोरिटी में होना चाहिए। अगर हम अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करके, माइंड को डिटॉक्स करके, रेजुविनेट अपने को, अपने मन को करके, अगर हमारी फ्यूचर को उज्जवल बनाना है तो ये अटेंशन की ज़रूरत है। और प्रैक्टिसेस क्या करना चाहिए इस पॉजिटिविटी के लिए, इस चेंजेस के लिए, इस रेजुविनेशन के लिए? द फर्स्ट इज़, तो सारे दिन अभी जो मेडिटेशन आपको सिखाया गया है, आप ऑफिस में बैठे हैं, ये क्लाइंट आता है, बात करके चले जाता है, इन दैट पीरियड ऑफ सम सेकेंड्स जस्ट विथड्रॉ। आई एम जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट इन साइलेंस। नाउ यू स्टेबिलाइज, स्टॉप यूअर थॉट्स, सी अ लाइट विद इन। As you are seeing, visualizing, I am light, you are cutting down the speed of thoughts, and there is flow of energy in silence. This is the pass you should give, hourly, half an hourly, however you want, wherever you want, because Brahma Kumari's meditation is not limited to sit in a corner, close the eyes and then do meditation. No, we do meditation with open eye. Wherever you are, you can walk, talk, do all your duties, but still you can be connected. That is the speciality of Rajyoga meditation in Brahma Kumari's. Then daily, if you get a time, you write something good, writing, the habit of writing journal, then importance of food. Jaisa bhojan, ahar ka prabhav vichar par, vichar ka prabhav vyavhar par. Jaisa ann, vaisa man. Aap kahenge, ann ka kasar kaise brain tak aata hai? Nahin. Jo hum bhojan karte hai, jisne bhojan banaya, वो देखता भी है, स्टीर करता भी है, दे हैंडल विद देयर एनर्जी एंड विद देयर इमोशंस। जब हम खाते हैं, उसका सीधा असर भोजन ब्लड बनता, ब्लड विच एवर द वाइब्रेशन इट टेक्स, इट मूव्स टू द ब्रेन एंड इट दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन अवर थिंकिंग। इसमें बहुत सारे रिसर्च हो चुका है। हमारा ये ग्रुप बैंगलोर में 50-50 का ग्रुप लिया, मैसूर में एक द ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उन्होंने भी बोला आहार का प्रभाव मन पर इतना गहरा है, तो हम आपके साथ जुड़ करके हम इसका संशोधन करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सात्विक फूड का जो स्पेशल प्रिंसिपल है, हम इसीलिए कहते हैं योगिया, जो शांत चित्त से, पॉजिटिव माइंड से, परमात्मा की याद से, उस प्यार से बनाते हैं वह भोजन हम करते हैं, तो सीधा ही इन द डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन 70% ऑफ द वर्क फूड व्हाट यू आर टेकिंग विल डू योर वर्क। दिस आई कैन अश्योर यू। द प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड इज नेचुरल विद द सात्विक फूड। और दूसरा एक आपको अटेंशन रखना पड़ेगा, न्यूज़ सुनते सुनते भोजन नहीं करिए, टीवी देखते देखते भोजन नहीं करिए, उनका इनका बातें सुनते सुनते भोजन नहीं करिए। एटलीस्ट इतना तो आपको थोड़ा सा साइलेंस में भोजन करने का और पॉजिटिव माइंड से भोजन करने का एक अटेंशन रखिए, इसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगा। फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस मीन्स सदैव अपने प्रति कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं रखिए। मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन होता कुछ नहीं है। हम बच्चों को भी अपने घर में कितना बताते हैं, करते कुछ नहीं है, ये लोग हैं ये होता नहीं है, वो लोग हैं होता नहीं है। मीन्स यू आर ब्लेसिंग एवरी वन विद अ नेगेटिविटी, और अपने लिए भी समझेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है, जो होने का था वो भी नहीं होगा क्योंकि पहले ही आपने सोच लिया होगा नहीं। तो इसलिए यू चेंज यूअर एटीट्यूड टूवर्ड्स यूअर सेल्फ एंड अदर्स एंड टूवर्ड्स द सिचुएशंस एंड
एक मास के लिए आप चेंज करके देखिए, यू विल सी द ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑफ योर थॉट्स ऑन योर सेल्फ एंड ऑन अदर्स एंड ऑन द सिचुएशन. इट विल हैपन ऑटोमेटिकली बाय योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थॉट्स. और स्पिरिचुअल विजडम एंड मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है. स्पिरिचुअलिटी और क्या है मैंने ऑलरेडी कह दिया. इसमें दो बातों का मैंने कहा, मैं आत्मा हूँ, मन क्या है, ये सब आप शायद कल सुबह ही समझ लिया होगा. उसके प्रति मैं ज़्यादा नहीं कहती हूँ, लेकिन मेडिटेशन के लिए ये स्पिरिचुअल विजडम इज़ एन अंडरलाइनिंग पॉइंट. मेडिटेशन इज़ यूनिक इन ब्रह्मा कुमारीज. दुनिया में बहुत सारी मेडिटेशंस है. आप कहेंगे बहन जी अपना ही मेडिटेशन का गुणगान कर रही है. नो, बिफोर कमिंग टू ब्रह्मा कुमारीज आई हैव प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, टैकलिंग ऑल दी गुरुज एंड मैनी अदर एल्डर्स फ्रॉम ऑल अदर रिलीजन ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो. बट वेन आई केम टू ब्रह्मा कुमारीज, the concept itself, there is a day and night difference. Because if I wish to be a yogi, then who am I want to be a yogi? Yoga means the connection, the link. Connection will be with the two things. With whom I am connecting, who is he? How is he? How is connected to me? Who am I to whom I belong to? What? Why I am here? My responsibilities. इतना बहुत सहज तरीके से आप समझेंगे ये spiritual godly wisdom को अच्छी तरह से, तभी meditation is very easy. I can say, अभी आप कहीं भी आप यहाँ आए हो, अपने प्यारा घर और बच्चे सबको छोड़ के आए हो, आप चलते चलते यहाँ से भोजनालय तक जाएंगे तो आपके घर वालों को याद करने लिए आप आंखें बंद करेंगे? करेंगे नहीं. और आप आपस में बात भी कर रहे हो बट बिहाइंड द माइंड उनकी याद आ रही है. होता है नहीं होता? होता है. दिस इज व्हाट मेडिटेशन इज. व्हेन आई रियलाइज आई एम द एटर्नल पॉइंट ऑफ लाइट एंड माय मोस्ट बिलवड हु आई लव, हु इवन who is most loving, most caring, and most beloved Father, the Supreme. When I understand Him, your love naturally flows towards Him. The remembrance with relationship is Rajyoga meditation. Understanding the divine, the source of all the powers and values. Ye jab samajh ke meditation karenge, the Brahma Kumari's Rajyoga meditation is not chanting. This meditation is just not kneeling the mind, just not giving pass to the mind, or just concentration, keep one candle in front of you, see. No, it is not just even auto suggestions, I can say, because when you hear in the initial stages of meditation, you may think that this they are giving auto suggestions. No, because we have forgotten the reality. Now we need to remember what I am, who am I, what are my values. So reminding myself towards my innate, towards my eternal self is reality where I need to become that. So that is what the meditation is, and enhancing the quality of sleep. Roz aapko achhi tarah se kuch samay tak nidra neend karna hai aur good sleep. ऐसे नहीं आप 12 बजे सो जाइए फिर जल्दी जल्दी उठिए जल्दी जल्दी ऐसा नहीं करिए, आराम से. हम क्यों कहते हैं, आज हमारे सुप्रीम फादर कह रहे थे बच्चे अंत में ऐसा टाइम आएगा आपको नींद के लिए टाइम नहीं मिलेगा. बहुत काल की अगर अभ्यास है अशरीरी विदेही होने का, तो आप 2 मिनट भी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस करते हैं तो वो 2 मिनट इज इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप. ब्रेन गेट सच ए साइलेंस पावर एंड यू रिलैक्स सो मच एंड यू आर सो फ्रेश. दैट इज व्हाट द पावर ऑफ मेडिटेशन. दैट मीन्स
राजयोग मेडिटेशन बहुत सहज तरीके से कहा जाए कि मैं आत्मा विदेही अशरीरी देह से न्यारे प्रकाशमय बिंदु, मैं परमात्मा निराकार की संतान हूँ, सुप्रीम लाइट बियॉन्ड द कॉस्मोस द स्पेस बियॉन्ड फाइव एलिमेंट्स माय ओरिजिन, कनेक्टिंग हिम as he is, understanding him and where he is, knowing him, remembering him, his Rajyoga meditation, where the flow of current from Supreme Father will help to rejuvenate the mind, to empower my own self, not only empowering that whatever may be, kitna bhi kada sanskar ho hamare, जो बदलता नहीं है उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि योग अग्नि भी कहते हैं, क्योंकि विच कैन बर्न अवे ऑल द नेगेटिव्स विद इन। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, सदैव अच्छे लोगों का फ्रेंडशिप कीजिए। सदैव गॉसिपिंग, ये बात है वो बात है, नेगेटिव बोलने वाले का संग करेंगे तो बुद्धि सारा हमारा वो तो अपना सारा निकाल के आप में डाल देंगे, लेकिन हम किसी के डस्टबिन नहीं हैं, उनका सारा सुनते रहो और अंदर लेते रहो, नहीं। तो आपको ये समान होना चाहिए एंड अवॉइडिंग न्यू टॉक्सिन्स, मन में कोई बाहर से कुछ भी नहीं आवे उसके लिए तो हमको नेगेटिविटी कुछ भी ना देखना है ना सुनना है, और फोकसिंग फर्स्ट ऑन माई सेल्फ एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम सदैव, अभी एक फैशन हो गया, बाजू वाले क्या करते ये क्या करते, उनको कार आया तो मुझे चाहिए, उनको ये आया तो मुझे चाहिए, ये ऐसे जा रहे हैं तो हमें ऐसे, ये नहीं। नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, नो क्रिटिसिज्म, यू हैव टू बी, एंड जो भी जिसका भी जैसी भाग्य है वो एक दो में कोई ले नहीं सकता है, इसलिए हमें किसी को देखने की दरकार नहीं। अवॉइडिंग नेगेटिव कंपनी एंड इरेग्युलर रूटीन, अपना रूटीन को अच्छा करना है। तो ये एक बात है, विज्ञान के रीति से हम सोचा जाए, मन में अगर आप आदत बना देंगे सदैव एंग्जाइटी में रहना या आवेश में आना या सदैव चिंता करना, दुखी रहना, किसी को कितना भी दियो वो संतुष्टि नहीं रहता है, वो कहता है और चाहिए। तो ये सारी जो अगर आदत बना देंगे उसका इम्पैक्ट ऑन ब्रेन विल बी सो मच, यू विल बी ऑलवेज देयर। अगर आप सदैव रिलैक्स्ड, हर छोटी बात को बड़ी बात को सहज लेने का एक सरलता बना देंगे, हल्का रहने का, अंदर से इजी रहने का आदत बना देंगे, तो आपका ब्रेन वही पैटर्न बनाएगा एंड यू विल बी ऑलवेज विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस, पीसफुल हैप्पी लाइफस्टाइल में जिएंगे। तो री राइट द फ्यूचर क्या चाहिए, आप कैसा रहना चाहते हो, कैसा रहना चाहते हैं आप, हर्षित मुखी, और भाई जी आप कैसे रहना चाहते हैं, रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं, और आप सब कैसे रहना चाहते हैं, कैसा रहना, फियरलेस रहना चाहते हैं, और आनंद में रहना चाहते हैं, बेफिक्र बादशाह रहना चाहते। तो माना कोई भी ये नहीं कहा ठीक है हम दुखी रहेंगे या शांत रहेंगे, ये सभी अच्छी बातें कह रहे हैं, हम रिलैक्स रहना है, खुश रहना है, शांत रहना है, यही बातें बोल रहे हैं, दूसरे नहीं बोल रहे। तो माना आप इस जीवन की जो भविष्य है, भविष्य कल को भी भविष्य कहेंगे, मैं एक घंटे के बाद की भी भविष्य कहेंगे, देन लाइफ आफ्टर डेथ इवन द वो भी भविष्य कहेंगे, ये सारा भविष्य में आप, इफ यू वांट टू बी ए किंग, इफ यू वांट टू बी विद ऑल द ट्रेजर्स, इफ यू वांट टू बी ऑलवेज विद ऑल द पावर्स एंड वैल्यूज, वी वांट माइंड शुड बी रिजुविनेटेड एंड रीराइटेड। ये सिंपल प्रोसेस क्या है मैं कहूँ, अभी एक रिकॉर्डिंग कैसेट में डिलीट करना है तो डिलीट करने की दरकार नहीं, उसके ऊपर दूसरा रिकॉर्ड करते जाइए तो जो था वो निकलता जाएगा, ठीक है ना। तो राइट करना है, बाकी जो अननेसेसरी है वो चले जाएगा। तो ऐसे रीराइटिंग मेथड इज ईजीएस्ट वे इज ऑलवेज ज्ञान के जो स्पिरिचुअल विजडम है
उसको मनन चिंतन विचार सागर मंथन करते, हम जिस शब्द को यूज करते हैं, ये जो सृष्टि है इसको विषय सागर कहेंगे। इस विषय सागर में बहुत कुछ विष भी आता है तो अमृत भी आता है, लेकिन ज्ञान की मंथन से अभी हमको जो अमृत मिलता है, विष का समाप्त होना वो नेचुरल वे है। तो इसलिए हमारे भविष्य को उज्जवल करने के लिए भविष्य में क्या होगा, हमारी सिर्फ एक का भविष्य नहीं, ये सारी सृष्टि एक फैमिली है, तो मेरी सारी भाई बहनें हैं, मैं एक सिर्फ खुश रहूं नहीं, मेरे सारी भारतीय क्या सारी दुनिया के सारी मानवता खुश रहे, सुखी रहे। वेयर द हार्मोनियस सोसाइटी व्हाट वी हैव टू सी, वेयर ईच वन विल बी विद द वैल्यूज एंड पावर्स, विद द हाइएस्ट हेल्थ, फियरलेस, सब कुछ जो आप बोला वो सारी इसी सोसाइटी में हम ला सकते हैं जब हम अपने विचारों को चेंज करते हैं, तो ऐसे ही भविष्य लाना बहुत सहज हो जाएगा। उसके लिए हमारी जो विधिवत सारे दिन में अटेंशन की बात है, छोड़ने की बात नहीं, अपने कार्य क्षेत्र को या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के बैठने की बात नहीं, सहज वे से आप मेडिटेशन करने का एक अभ्यास नेचुरल हॉबी जैसा बना देंगे, तो दैट इज़ द मेथड ऑफ रीराइटिंग एवरीथिंग। तो उसमें रीराइट के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहती हूँ, आज की वर्शंस के अनुसार मैं आपके आगे कुछ पढ़ना चाहती हूँ, आपकी परमिशन है तो। चार लाइन है, एक गाडली वर्शंस है आज की। ये स्टोल टू रिजुनेटिंग मेथड एक बात कहा है, और हाउ यू कैन मेक यूर सेल्फ फुल ऑफ पावर्स एंड एनर्जी, उसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। अशरीरी शरीर, शरीर बिगर, आउट ऑफ द बॉक्स, बॉडी एक बॉक्स समझेंगे, अभी आप प्रैक्टिस कीजिए। आउटसाइड द बॉडी आई एम द लाइट, सीइंग माई ओन बॉडी इन साइलेंस। सारे साइलेंस शक्ति के आधार से सारी शक्तियों को जमा करने लिए अशरीरी, ये साइलेंस शक्ति बहुत महान शक्ति है, इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। जो आवाज़ से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे, ऑलवेज यू आर बियॉन्ड द वॉइस बट यू कैन स्पीक मोर देन व्हाट वी गिव अ स्पीच। साइलेंस स्पीक्स मोर देन द वॉइस, और उनको बहुत कुछ सिखा भी देता है जो हमारे आगे है। तो इसलिए साइलेंस शक्ति, साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर बोलते हैं ना, तो ये निजी साइलेंस की शक्ति से नई दुनिया की स्थापना का कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूपन, अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो, विशेष शांति की शक्ति को अपने में बढ़ाओ। यही सबसे बड़े ते बड़ा महादान है, ये सबसे प्रिय शक्तिशाली वस्तु है। तो अपने को सदैव, सारी दुनिया अपने हैं, उनको शांति का दान देना महादान, ये प्रिय बात है, प्रिय वस्तु है हर एक के लिए। क्योंकि शांति क्यों चाहते हैं, शांति में सुख है। शांति क्यों चाहते हैं, शांति में हमारा हेल्थ है। क्योंकि हमारा ही सेल्स बिगड़ता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा ही सेल्स एक दो के अगेनिस्ट हो जाते हैं, विच इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और जितना साइलेंस में जाते हैं हमारी आयु बढ़ती है। साइंटिफिकली वी आर गिवन ब्रेथ नॉट द ईयर्स बट वी हैव टू बी इन इट सो दैट आपकी आयु, ऑर्डिनरी जो लोग 17 to 18 टाइम्स लेते हैं, योगी उसका 9-8 में आ जाता,
एक दिन में जो यूज़ करते हैं आप दो दिन यूज़ करते हैं, ऐसे आयु बढ़ती है। तो इसलिए साइलेंस के आधार से जो मेडिटेशन है उससे सारे पावर्स आप लेवे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। ओम शांति। और इस साइलेंस में आप आगे बढ़े। ओम शांति। कई प्रैक्टिकल बातें आपने सुनी इसमें, और कुछ करने का संकल्प भी मन में आया होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट रिजोल्यूशन दैट यू माइट हैव टेकन ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन। अब हमारे बीच में आदरणीय दीपक मिश्रा जी हैं, प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर साइंटिस्ट इन DRDO। 29 साल का उनका कंप्यूटर नेटवर्क एस्टैब्लिशिंग, ऑटोमेशन सिस्टम फॉर डिफेंस लेबोरेटरीज एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स और रिमोट सेंसिंग सिस्टम्स का अनुभव है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के वे मेंबर हैं और लाइफ मेंबर इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के हैं। आपने साइबर लॉज में भी ट्रेनिंग ली है और इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑफिसर के रूप में इन मास में आपने काम किया है। वर्तमान समय में वे आप राइट टू इंफॉर्मेशन सेल एट DRDO हेडक्वार्टर्स में हैं। आप उन्हीं के कर्मचारियों को ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग RTI ऑफिशियल्स अक्रॉस द कंट्री इन DRDO लैब्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। ये उनका छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा भार वाला, जैसे कह सकते हैं, ऐसा परिचय है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके बीच में वे ये जो रिजुविनेटिंग माइंड की जो प्रोसेस करने की बात हुई है उसको आगे बढ़ाएं। आदरणीय दीपक मिश्रा जी। ओम शांति। व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ ग्रीटिंग। इट रियली गिव्स यू अ पॉज। व्हाट अंबिका दीदी वाज जस्ट सेइंग। सो आई विल स्टार्ट विद आदरणीय मंचासीन राजयोगिनी दीदी अंबिका, पद्मभूषण डॉक्टर भाटकर, एकता दी एंड विनय भाई और आप सब श्रोतागण, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम द फर्स्ट टाइमर हियर। दिस इज़ माय मेडन विजिट टू एनी ब्रह्म कुमारी एस्टेब्लिशमेंट। बिफोर दैट माय कलीग्स हैव बीन कॉलिंग मी, Somehow it didn't happen, क्योंकि जो होना होता है वो तभी होता है और इस समय वो हो गया। किस तरह हो गया? I take it as a divine opportunity probably। मैंने जिस समय यहाँ आने का टिकट बुक किया था उस समय मेरा कोई शेड्यूल नहीं था। बाद में दो चीज़ें ऐसी आ गई जिसके कारण मैं कैंसिल कर सकता था। My little daughter is having exam, certain exam. She is learning vocal music. She is having an exam today. And I am supposed to go further on some meeting on 9th. So I am already booked for 8th. So this was the time when my mind said, cancel it. But then again, the positive mind, what did it say? No, hold on, you can go. This is a divine opportunity. So mind said, tathastu. That's why I am here. Another thing happened is, when it was a working day, I started from office, reached directly to railway station. And when I checked the mail, when I got the time, I checked the mail, there was a pleasant surprise. An invite from Rajyogini Didi Ambika to speak here in front of the masters of spiritualism. I thought, what will I speak? I am just new timer. As a computer scientist, I am hardcore believer in tangible things. So again, my mind said, no, you. Then positive, whatever little spirituality is there in me probably, that said no,
Again, this is a divine opportunity. So let me share the thoughts, whatever I had. And the topic given to me is basically positive impact of values in our research. I paid attention, what is this topic? This topic, if you want to speak something, this topic itself requires some studies, some research work. What are the positive impacts of the applying values, doing the research? I thought, okay, let me think over now. When you say rejuvenate the mind, many methods are there, experts are there to say what they say, but I'll speak my mind. I keep observing little children very minutely. I think aap sabne ek cheez notice ki hogi, bachcha jab so ke uthta hai to uske chehre pe kya hota hai? A beautiful smile. Why? Because he is recharged, he is rejuvenated after that sleep. What happens to us? We also do our duties very nicely, discharge our duties with dedication and take a good night's sleep. And when we get up in the morning, our body is rejuvenated, recharged. But our mind is not recharged. What happened? What happened? These are the pollutants. As a child, we were spiritual. I believe every child, without the barrier of caste, creed, and religion, and species I'll include, is a spiritual being. But our mind is getting polluted. Day by day, our mind is getting polluted. We are having all worries. That's why when we get up, we are not rejuvenated. So what is the way of getting rejuvenated? Observe the child and follow the practice that Brahma Kumaris are teaching. The spiritualism, the positivity, the thoughts manifestation. I really believe in thought manifestation. I kept actually experiencing such things. So I'll share with you after reading and watching the film, The Secret. I think everybody here must have watched that film or must have read the books. Thoughts manifestation are there. And Dr. Bala has given it a very good word from ancient India, Tathastu. Whatever you are thinking will happen. The same way when I started looking, okay, we can observe the child and rejuvenate. Definitely, we will be able to rewrite the future. So to speak on this topic, positive effect, I had to look for the examples. And the first example I came across after coming here is this very beautiful campus. As I am told, that all the renowned architects at the time had refused to build anything here. Am I right? But a young architect took the challenge. Now, if we analyze why, he was fresh from college. He was fresh, rejuvenated with certain values which are taught to everybody in the family. And he took the challenge. And what has happened? Actually, the future was rewritten at that time. The future of this mountain, Mount Abu, that every other architect had refused to design and build anything, it was rewritten by that rejuvenated mind, the fresh mind. So I believe that as a child we are spiritual, we are perfect. So now we have to unlearn and relearn many things. We have to unlearn and relearn because we have aggregated our polluted thoughts in our mind. Our thoughts are not pure. So I am definitely going to do this, that meditation is one of the way
that we can get rid of these pollutants and rejuvenate mind. I remember hearing Dadi Janki from London, the one who introduced here, said she is always having a childlike smile. So we have to go back to our childhood mentally. Yes, then we'll be rejuvenated and fresh always. Coming back to the topic, I have jotted down certain things. First example is this very campus. When I look at it as a computer scientist, the word comes to me is hacking. First virus was definitely an accidental byproduct. But what happened later on is outcome of mischievous mindset. We are all worried about our data security. Yes, Pandya Bhai has mentioned, I worked as information security officer also. So we are, I know how much threat we are having, our data is having. This was a result of mischievous mindset. What we did, we brought the positive values and we decided to protect. How to protect? Now, to understand and develop positivity, we need to understand negativity also. So how these viruses are created? We started developing the antivirus. We started protecting our data. And another word, ek aur naye shabd ki utpatti hui, wo kya tha? Ethical hacking. We need to test our software in a way that doesn't create any problem. It will not be hacked. It will be thoroughly checked. But still, you know, negativity is so strong that we find that always the hackers are running way ahead than the antivirus developers. They are running way ahead. So that's why there is always a competition between hackers and ethical hackers, hackers and ethical hackers. If we include the positive values, the ancient values or the values we were born with, then the whatever research we are doing will definitely be beautiful and will be useful for the mankind. Another example I'll take is, the nuclear energy. Nuclear energy, everybody, the moment we say nuclear energy, our mind goes to atom bomb. But somebody at that time also had the positive thoughts that we are having the power generation from nuclear energy. What is the aim of spirituality? What is the aim of Brahma Kumaris finally? Peaceful world. World with peace. Everything is peaceful, there is no fighting. So if we are utilizing our energy, our thoughts in a positive way, definitely we as researchers will be coming out with better products for the mankind. So I remember one quote, Dr. Mrityunjay Bhai initially said, that science without spiritualism, science without spiritualism is lame, and spiritualism without science is blind. Or probably I am saying ulta. Science without spiritualism is blind, and spiritualism without science is lame. They have to go hand in hand. Dr. Saraswat said very elaborately, very nicely compared the two things and the similarity between them, science and spiritualism. So unless we combine the spiritualism with science, we won't be able to come out with good products. Now, as this conference is moving towards end, generally,
we any conference, any meeting, we come out with certain recommendations, certain procedure to be adopted. I feel that Spark can take up a project to study all these researches which are good for mankind, which must be definitely the byproducts of applying the positive values while doing their research. You know, I remember talking to my colleague, one of the scientists from BK fraternity itself, that he has come out with a product which converts the plastic to wax without giving out any byproduct, without giving any waste, without giving any byproduct, thereby basically protecting the environment. So when you are applying the positive values, you are applying the spiritualism, actually what is happening, jo name, fame, ye wali jo bhavna hai, name, fame and recognition, this will go away. And you are thinking only for the good for the mankind. So such products will come. So as I was recommending that some project can be taken up to study these kind of products, these kind of researches, we'll be able to come out with certain guidelines. Lieutenant General Pranav is there, he will endorse me. He spoke about the discipline, and we all know about the discipline of army. But I'll add another point, that not only the discipline which you see, even the internal administrative work being done in army is very smooth, without any hurdles hit up. And why? Because they have got certain guidelines, SOPs, standard operating procedure, what we call. They got set standard operating procedures and guidelines how to look, how to approach a particular problem, or how to approach a particular issue, administrative issue, whatever. Similarly, after taking up that project, we can come out with the guidelines, with some certain SOPs, which can be implemented. Dr. Saraswat is there, a member of Niti Aayog, definitely it can be implemented in government departments to the researchers, that these are the set of guidelines. This is how you can imbibe your positive values while doing the research. What are the points you can consider? All these things, we can come out with certain guidelines and SOPs. With that, finally, I'll finish by saying another thing I read in, I think, brochure or somewhere before coming here, that why do we call ourselves human being with spiritual experience? Why not spiritual being with human experience? Thank you very much. Thank you for giving this opportunity. The suggestion must be well taken, isn't it? That we can work in tandem with each other and collaborate for betterment of human race, rather. Now, we have our distinguished guest, Adarniya. जो पहले दो शब्द बोलूँगा आपको उससे ख्याल आ जाएगा हम किन से बात सुनने वाले हैं. पद्म भूषण डॉक्टर विजय भाटकर. उनका परिचय में जब पढ़ रहा था तो कुछ शब्द मैं सिर्फ बोलूँगा, आप उसको अप्रिशिएट अपने आप कर सकेंगे. साइंटिस्ट एंड philosopher, thinker and thought leader, researcher and innovator, educator and educationist, author and articulator, policy architect and institution builder. दोस्तों ये शब्द बहुत कुछ कह देते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में. आप वर्तमान में चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी हैं और उन्होंने लक्ष्य रखा है अपने सामने, रिसरेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ एंशियंट नालंदा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 21st century. चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IIT दिल्ली
architect of India's national initiative in supercomputing, where he led the development of India's first supercomputer. We know it, Param. In 1990, when the world was against us, actually, under the technology denial regime. There are so many organizations he is associated with. He brought ICT to the masses through a wide range of path-breaking initiatives. GIST, multilingual technology covering India's 22 official languages with 10 diverse scripts that has dissolved the language barrier on computers for millions. And almost 10 million people within a period of 10 years were educated, actually. So ICT to school education, creation of several national research labs and institutions, again famous names, CDEC, ERNDC, Trivandrum, IITMK, Technopark, MKCL, I2IT, ETH, member of scientific advisory committee to PM, and member, governing council of CSIR, IT task force constituted by PM, and then life fellow of IEEE USA, fellow of ACM USA, CSI, INAE, IETE, NASI, MS Science, and GES. And lastly, but not the least, chairman of e-governance committees of Maharashtra and Goa. Dosto, itna डिस्टिंग्विश जिनका कैरियर रहा है उनके शब्दों में भी उस कैरियर का सार भी होगा और भार भी होगा. मैं निमंत्रण देता हूं आदरणीय भाटकर जी को. आदरणीय व्यासपीठ, प्रोफेसर पंड्या ने, विनय पंड्या ने मेरी एक विस्तृत पहचान यहाँ आपके सामने रखी, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बीके हूँ. बहुत कुछ इसमें समाया हुआ है. लेकिन सबसे पहले जो हम याद करते हैं, ओम शांति. नो दिस टू वर्ड्स, ओम एंड शांति. And since we are all researchers, many of us are researchers here, and research, the purpose of research is really to find the nature of this reality. And that search is going on for ever since humans appeared on this planet, and this search is continuing. And this search is still eluding the nature of reality to most of us. I am very happy that there are many researchers here. As a student of research, scientific research, spiritual research, I am very delighted that I have been invited to this SIR conference, which has been taking place every year. I am really grateful to Ambika Didi. I am really grateful to all the Didis here, Sunita Didi, Sunil Bhai, who insisted that I must be with you on this day. What is the connection between research and spirituality or meditation? Sir, you introduced me that I am from Nalanda University, in the sense that I am been given the role of Chancellor of Nalanda University. And we are trying to revive that great tradition of great universities
which India created, the first universities of India. The Takshashila and in Nalanda, and in Vikramshila, and then the tradition goes on. Once I was talking to Dr. Abdul Kalam as we were walking in one of the institutes, and he said that he had given us the mantra, India 2020. We want to be India. We want India to be a developed nation in 2020. I just casually asked him, very innocuously asked him, how do you know that India is now, how do we know, not you, how do we know that India is not a developed country? And when shall we know that India is a developed country? Then we started thinking. When was India a developed country? I want all researchers. When was India an advanced country? Was India an advanced country? One test is that when India created great universities like Takshashila, like Nalanda, and the knowledge seekers, like people like us, the students from the world that was at that time, Gyanpika Pipasu, the monks, the princes, the students, knowledge seekers came from different parts of the world, converged through the Silk Route or from whatever the routes which were available, to learn in these universities. They come from different parts of the world that was known to us. That time, India was a great country, a great civilization. Like, for example, in today's example, that when I want to learn something, and I feel that I should go to America, I should go to the USA, and I want to go to Stanford, I want to go to MIT, I want to go to different, you know, earlier Oxford, Cambridge, like that. The day we create universities of this kind, we will be an advanced country. Today we have 900 universities. Slowly we were struggling, not when I was studying. Swami Vivekananda rewrites that there are no schools at the beginning of the last century. The girls had to swim to go to schools. Today we have schools, but no, sometimes no children in villages, because there are so many schools. We have created a great infrastructure of learning. We are trying to create good universities. We are trying to create universities of eminence, what the government was trying to declare. And when we create those universities, India will be an advanced nation. Why I'm bringing this issue, that today if you have to bring, when we talk about Bharat ek Vishwa Guru banna chahiye, then kab banega? Jab I say hum Vidyapit, I say Vidyar. Bharat, I say universities, jab tayar karne lagega, jahan sab duniya ke log yahan padhne aayenge, dunya ke bachche, विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आएंगे, तब एक सच में वो विश्वगुरु हो सकता है. लेकिन टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड. एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट सर, वी लुक एट द ग्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी क्रिएट, डेटा, इंफॉर्मेशन, knowledge, and beyond knowledge is wisdom, which we talk about here. Didi ne kafi wisdom ki baat ki, kya padhna chahiye, kya, aur uske baad enlightenment. We have to create the universities that enlighten the mind. From data, which the computer scientists are obsessed with, computers, to more organized data, which is information, to higher level of wisdom, knowledge, sorry, and then to wisdom and to enlightenment. Now this, we want universities that can give this higher knowledge, that wisdom, that enlightenment. Does our universities, do our universities
you that kind of knowledge? Not yet. Not yet. As far as my knowledge goes, as far as my experience goes, when I was introduced to Abu, the Brahma Kumari, the Ishwariya Vishwavidyalaya. Ishwariya Vishwavidyalaya, this one. Where Ishwariya means the place, the university, which not only universalizes your mind, but make you wise, imparts you wisdom, and beyond that, it enlightens you. Enlighten you in true sense. The divine knowledge, Brahma Kumaris, I think, this is the place which gives that enlightened knowledge, I have no doubt. I have no doubt. And it's good that we have converged to this place for such an enlightenment. When I looked at the past of Nalanda, I understand that one method of teaching by the masters at that time, the gurus at that time, was to walk behind the teacher. But before that, in Nalanda, if you look at the students, how they used to stay in some very small room, but tall rooms. And the condition for starting a class was, we must go into silence, meditation first. Which is the university which teaches that? Brahma Kumari, here we teach that kind of thing. If you want to make the universities of that kind, I think the condition must be, starting from school level, we must meditate first. And that's why we begin here. The day begins with meditation. Why meditation? There is a scientific reason behind this. I will not go into that aspect of it. When Deepak Kumarji was talking to us, and he is now looking after, he's a computer scientist, and also looking after the RTI cell in DRDO. There is a right to information. I think we have to go beyond that. There is a right to knowledge. It's okay, information is okay, and we know how we are using, how we are misusing that kind of things. We have to go, we should demand, we should have right to know, right information, which is knowledge, and we should have, beyond that, right to wisdom and right to enlightenment. I think the society has to gradually upright, uplift itself that level. My idea was, I was trying to see the relationship between researchers and what is the precondition for research. I said, research is for understanding the nature of reality. What is this world? What is the nature of this world? All scientists are trying to find out. Physicists are looking from their thing, cosmologists are looking from their perspective, chemists are looking from their perspective, biologists are looking from their perspective, life scientists are looking from that kind of thing. It's like an elephant and blind man. We're looking, trying to see what it is, and we are not able to reconstruct that picture. What is this? Is it a material world? Is it a world how life comes into this body? What is the nature of that life? How thoughts come to me? Life, my psychological nature, thoughts. How different emotions arise in me? What is happiness? What is sadness? What is suffering? And how does the enlightenment come to me? How can I get that bliss, permanent bliss, which I was looking for? That is the nature of this vast reality we want to understand. There is no science yet which is looking at this in a wholly integral, holistic way, which can understand my physical nature, my pranic nature, before that my, as the consciousness comes in, then the pranic nature, and then my thoughts, that is my mind itself, what is the nature of mind, and from that mind, how do I get the capacity to search for inquiry, my intellectual nature, and beyond that is my spiritual nature. No science is able to teach all these aspects today. But this is a great land. During the Vedic times, we searched for this nature, and we talked about five bodies.
पंचकोश, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर एंड आनंदमय शरीर. आनंद व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. इज इट ट्रू दैट आई हैव डिफरेंट बॉडीज लाइक दिस? मेनी साइंटिस्ट, मेनी पीपल हु आर, वी आर नॉट टॉट लाइक दैट. आई हैव सेवरल, आई हैव फाइव बॉडीज. बट व्हेन आई आस्क द क्वेश्चन दैट कैन आई मॉडल दिस, आई से व्हाई नॉट. And say that what is the machine closest to humans? It is a computer. Computer is an amazing architecture which models, not exactly reaches this kind of thing. Our human nature, our human existence, human body, human architecture. And then I found, does computer have five bodies? Can I draw the analogy between computer and this with respect to five bodies? And I found there are. Computer itself is like that. There is a hardware body, and then we look at the software body, software architecture. And beyond that software, so there are several layers. I have an operating system, I have compilers, I have middlewares, and I have application layers, and even my mobile has this. And is mind separate from that? As we saw here, can I rejuvenate my mind and rewrite the future? My mobile, my computer takes different forms depending on its software. Hardware remains the same, almost the same. It can be applied to many, many forms. It is an amazing thing who are, I think, researchers here to find out how computers are applied in every human endeavor. And I often ask the question, find out the application of computers. Find out that kind of thing, that application of computer, which is not in human endeavor. Everything you can imagine. Can computers have emotions? This question will come. Can they be happy? Can they laugh? We find now that computers can emote. Your mobiles can laugh at you when you send a joke. Why I'm trying to say that this architecture is very important to understand. How that mind can shape, can make you happy, can make you peaceful, can make you angry, you have to shape your mind. But what is the process? Process of doing that, I have to rewrite my software. I have to download that application by which is the functionality of my mobile or computer can change. Today we teach you that method. I think this university teaches that method. What it is? And I can reprogram myself. And there are methods, there are practices. And that's what we are trying to learn here. This is a unique university which teaches us the method of rewriting our own future. That's what computers do, rewriting the future here. So I feel that here, Brahma Kumari Vidyapeeth, is a unique university where we ask fundamental questions. I want to know this, I want to know that, I want to know everything, I want to know about the stars, I want to know the galaxies, but I don't want to know about myself. I never ask the question. I go to university and I just pause and ask, who am I? I want to know that galaxy and what is the end of this universe, what is the kind of thing we want to know everything, but I don't want to know who am I? Who is this fellow who is asking this question? Spirituality is really, to me, when you say body, mind, and spirit, spirituality is that quest. I want to know who am I? I want to know the purpose of my life. I know the purpose of my education, I'll get job, these kind of things, but I don't know why am I here? And why I feel sadness? Why the same thing brings me joy? What is that? What is the nature of this? When I say when I'm happy, what is the nature of happiness? I want to research. I want researchers to find out the science of happiness. Why I get happy? One moment, the same thing means unhappiness to me, suffering to me. Why? These are the questions of spirituality. Science and spirituality, if you look at it, they are not two different things. If I read whatever science I understand or whatever spirituality I understand,
As I said, science is the quest of understanding the external reality as we see, perceive, from my panchendriyas, and spirituality, the quest to find out who am I, who is trying to understand this nature. And there is a discipline for that, like there is a discipline of learning, there is a experimentation here. Spirituality is that experience through certain disciplines, through certain practices, certain technologies. Yoga and meditation is that technology which has been given to us. And some technologies are better than that kind of thing. And better than that kind of thing, they reach faster. So Brahma Kumaris, I think the technique which Didi was teaching us is an accelerated method, a powerful, potent method of doing that, which has been tried on thousands and lakhs and millions of people. And this education is offered to us free, in a joyous environment, in a loving environment, in this kind of things. So which is a unique, really, university in which we are here. And I'm very proud that if you want to create universities, India should create universities of this kind. Universities we has created. So Brahma Baba has created a university of this kind, where we are assembled together, and a method of learning which we are trying to understand. I think India has given this the greatest gift from India, or from this one. There are many methods. I'm not taking this. There are many ways, the diversity of ways of this one. But a beautiful, potent, a joyful method has been brought to us. And I'm really proud that we have created a university of this kind in which common people, people from all walks of life, even scientists, researchers, Nobel laureates can come and experience that. Experiment that. I was just going through the experiments which you are carrying, that kind of thing. Today, I think that there is a cognition laboratory, there is a consciousness laboratory, there is the laboratories of this one, which were not scientifically, as we know, scientific methods have limitations, but we are trying to access that kind of thing. And this is what's happening. This is a great thing. 21st century, at the beginning, we are also first time experimenting this, that even the scientific method can prove the existence of happiness, existence of soul, what we call your spirituality, and that discipline can be accessed by anybody, anywhere, anytime. I'm very happy that we have entered a realm. I will just end with this, that now those who have studied science more and more deeply will know that we are trying to study, and more people are trying to know, as we try to know mechanics, physics, chemistry, biology, life sciences, and many, many things. We are trying to understand the nature of reality in the form of, ever since the quantum phenomena was discovered by Max Planck at the beginning of the last century, and particularly the 1920s and all things, we started exploring. The greatest research is occurring on understanding this quantum nature of this universe. One of the beautiful parts of the quantum nature is that quantum physics will teach you that when you are looking at him, he is nothing but space. He is nothing but light. Quantum will teach you that, as you said, that you are basically a bindu, you are light, this kind of thing. Look at that. Quantum physics is proving that. That's what we are, experience that kind of things. I think how science and spirituality are really coming together. People will never ask this question now. Those who have studied quantum mechanics, those who have studied quantum physics more and more deeply will never ask this question, that this is science, you're not talking science, this is a spirituality. No. They are two different aspects of the same reality, the way you want to look at it. My world is created by way I want to look at it. Drushti Srushti Vad, in philosophy, it is called this one. The world will look to you something as I want to see it, as I'm conditioned to see it, and I can change it, I can reprogram it differently through my thought processes, and then for which you have to go to a deep silence. The best program is we reprogram our thoughts in different ways. But I think when I was told by Baba that kind of thing, that bachche aapko vigyan, science, silence ke through dekhna hai. If you want to create really deep research, we'll have to go into deep science, deep silence, and then the reality will manifest before us. That is the process which we learn here. So if I want to do research on supercomputers, I want to create next generation supercomputers, I want to create human mind, I want to create human capabilities in artificial intelligence, in all those kind of things, then I will have to go into deep silence. Meditation is this is the way of really rejuvenating myself.
If I want to really discover that, I will have to go through this kind of processes. So we are here to learn these methods. These methods you experience, and this is experiential science, not just experiment. It's also experimental we are doing. But it's beyond experiment, it's an experiential science which we are there. I have no doubt in my mind these two are not different disciplines. Science, they will converge, and this the 21st century itself will see that this question would have been ended. This would have been this nothing, and we will enter into new era. That promise of creating a golden future is only possible because I think when these two will converge together. Because the reason is that kind of thing, as we said, Didi began, what is the status of the universe today or the world today, is that we have come to a stage at the beginning of 21st century. The question arose in the minds of President of Royal Society of London. And he asked the question, this is the last century. He wrote a book which became very famous. This is the last century for humanity. Let me tell you that this is the bad news, last century for the, because we have done so much on this problem of this climate change. So much it has been that we don't know how to save much. Science does not have solution for, I think, for the climate change. Different methods will have to be discovered. And I think these methods are now not going outside, going inside. That is the method for changing the world. And this is not something like that kind of thing. Here is the solution. We'll have to all, I think, meditate together, discover the solution together, this kind of thing, that we will not assault the nature. Who is nothing but, the nature is nothing but ourselves. The day we realize that when I'm trying to exploit the nature, I'm exploiting myself, then there will not be any violence against the trees, against this one, against the nature itself. Because I realize, oh my God, I'm assaulting myself. This is nothing but my own part of it. So I feel this enlightenment will lead you to a different future, a certain future. We have been assured there is a great golden future for all of us, for the humanity, and our future is great. That is what Baba has assured us, and that's what we learn, and that's what we realize. Thank you for inviting me on this something, for sharing my thoughts. Wish you all the very, very best. Sir ka vaktavya sunte sunte mujhe ek philosopher ki statement yaad aa gayi. Usne kaha tha कि हर नया जन्म लेने वाला बच्चा ये साबित करता है कि भगवान अभी भी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है. आप लोगों की प्रेजेंस से हमको भी लगता है कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देर आर पीपल हु आर कंसर्न्ड विथ real issues before us. अब आने वाला जो event है उसके लिए मैं Indian Spinal Injury Center के भाई बहनों को मंच पर बुलाता हूँ. आदरणीय सरोज दीदी भी मंच पर पधारें. आपके बीच में launching and screening of documentary film आधार, which is a research work of the Brahma Kumaris, उसका लॉन्चिंग होने वाला है. मैंने आपसे अनुमति नहीं ली है, लेकिन अपेक्षा रखता हूँ कि थोड़ा समय ओवरशूट हो रहा है, उसको आप क्षम्य गणिए, और इस कार्यक्रम का आखिर तक आनंद लें. जो भाई बोलने वाले हैं, प्लीज़. ओम शांति. आई नो इट्स लंच टाइम एंड आई विल टेक अ वेरी लिटिल टाइम ऑफ योर्स. Indian Spinal Injury Center is one of the prime hospitals which is taking care of any form of disability that has happened because of spinal injuries. So I would just like to invite all the dignitaries on the guest and you all in a subtle form to inaugurate the first preview of the documentary that we are making on it. The name of the documentary is Aadhaar. Shikan Bhaiji, please aaiye na.
Well, before showing you the preview of the first look, it's what we are going to show you is not the complete documentary. It is just a preview copy of the first look, just 3 minutes. The reason behind why we wanted to do this is because every good deed that is done should be acknowledged. If we, even if it is a small deed of just saying good morning, you should acknowledge ki kitne acche se unhone good morning bola tha mujhe. And doing something even bigger and greater than the life thing should be always acknowledged. Jab do likes saath mein milte hain, to wo likeness badhti hai. For example, agar koi meetha bolne wala vyakti hai, aur uske saath ek aur meetha bolne wala vyakti aaye, to aapki company mein meethe bolne wale log badh jayenge. Ek vyakti injured hai, immobile hai, he cannot move. Uske saath uska caregiver hai, jo frustrated hai, pareshan hai, dukhi hai ki uske family member ke saath aisa ho gaya hai. Then unki company mein ek doctor aata hai, jiske upar pressure hai ki I have to cure this person. Depressed, pareshan, and then scared, tensed, ye sab jab ikatthe aa jate hain, तो व्यक्ति जल्दी हील होगा या धीरे से हील होगा? क्या लगता है आपको? What would be the process of healing then? When everything negative has come together, healing would not happen in the pace that it should have happened. What happens when spirituality is intervened? What happens when Rajyogis come and they teach Rajyoga to these patients and the caregivers? The amount of healing, the speed of healing, and the different research that they have done has shown that healing has become easier, effortless, and believable for the patients who think that they cannot move forever. So, this research ko humne acknowledge kiya hai is video mein. Aur original video mein, you will get to see how Dadi Janki takes care of herself. She's 103 years old, young. And how even Didi Jayanti has shared her experience that how she has coped in the moment of crisis, jab pain hai, how to deal with pain, how to deal with patients who are dealing with pain, what are the things that a person should keep in mind if they are trying to help somebody who is in pain. So there are a lot of good tips in this video. Let's just have a little preview of that. Lights. Sums up the philosophy of my life. It is man niva mat uchi. मेडिटेशन हुआ उससे दिमाग मतलब 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए रिलैक्स हुआ जो पेशेंट कभी स्माइल भी नहीं कर रहे होते हैं और जैसे उनके चेहरे पर स्माइल आती है वो शायद मुझे बहुत ज्यादा खुशी देती है और जब तक पेशेंट स्माइल नहीं करता मैं तो उसको छोड़ती ही नहीं मेडिटेशन उनको हेल्प कर रहा है अगर वो डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हैं तो फिर वो अपने घर से बाहर निकलेंगे जब डिप्रेस होते हैं तो बिल्कुल उससे तुरंत कुछ समय में ही निकल आते हैं डिप्रेशन से But I was able to be focused here and be very still. And afterwards the doctor said to me, "Are you a meditator?" I smiled and said yes. मेरे को तो ये एक है बाबा तो हाँ हो जाएगा. I
कभी डाउट नहीं, दृढ़ संकल्प। So friends, this was Aadhaar of a different kind. We all know the common Aadhaar which we all possess, but then this is another Aadhaar. अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अलका एकता बहन को मैं निमंत्रण दूँ, उससे पहले एक दो अनाउंसमेंट करनी है। इस सत्र के बाद शाम को पैनल डिस्कशन है। If you have any questions to the patients, panelists of the evening session, Achieving Work-Life Balance, ye topic hai uska, kindly write your question and submit to me after the session here, I'll be sitting here. Dusra, ek initiative kiya hai yahan se, Spark Collective Wisdom Group Meeting. ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 8 में दोपहर 2:45 बजे, एक घंटा के लिए, 2:45 से 3:45, रूम नंबर 8 में, ये बाजू में जो बिल्डिंग है, ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें 8 नंबर के कमरे में आपको जिसको भी इच्छा हो वहाँ आ सकते हैं। और जिन लोगों को SMS पहुँचा है वे आमंत्रित मेहमानों को विशेष उसमें सम्मिलित होने की, और जिनको भी इसमें शामिल होना और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ एक नंबर में, अभी तो अनाउंस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ बैठ के फिर आपको बताता रहूँगा, 9823547921 राकेश भाई। अभी आपने जिन्हें उस वीडियो में भी देखा और मंच पर जिनकी उपस्थिति आप देख रहे हैं, वे हैं हमारी बीके एकता बहन। पिछले 20-21 सालों से ईश्वरीय ज्ञान के साथ वो जुड़ी हुई हैं और जीवन में भी, अपने वर्क लाइफ में भी उन्होंने ताने बाने से उनका नाता रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग उन्होंने किया है और प्रोफेशनल के रूप में कई जगहों पे उन्होंने कईयों को, अने मार्केटिंग की दृष्टि से, डिज़ाइनिंग की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से आगे बढ़ाया है। ऐसी हमारी एकता बहन आपको एक अच्छे से इंटरनल वर्ल्ड में 11वीं दिशा में, वैसे कहते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं लेकिन 10ों दिशाएं बाहर की ओर भागती हैं, अब आपको अंदर की दिशा मैंने 11वीं दिशा में ले जाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उनको निमंत्रण देता हूँ, आदरणीय एकता बहन। जैसा कि मंशा सिंह सभी ने कहा, साइलेंस में ही हम रेजुविनेट होते हैं और अपना फ्यूचर रीराइट कर सकते हैं। सो आप सब रेडी हैं अपना फ्यूचर रीराइट करने के लिए? ओके, सो लेट्स इट रिलैक्स, कीप योर बैक स्ट्रेट, अपने विचारों को देखें। बहुत तरह के विचार हमारे मन में आ रहे होंगे, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आपके विचारों की संख्या कम होती जा रही है।
अब इन विचारों से भी अपने आप को अलग कर सिर्फ एक विचार, मैं एक चैतन्य शक्ति, एक ज्योति पुंज जो कि फोरहेड में विराजमान है, इस पर फोकस करेंगे। जैसे जैसे मेरा मन इस एक विचार पर केंद्रित हो रहा है, मैं अपने पोटेंशियल को, स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहा हूँ। हाउ ब्यूटिफुल, पावरफुल, एलिवेटेड आई एम। मेरे मानस पटल पर सिर्फ मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा है। एक शांत, सुखी, स्नेह भरा जीवन जो मैं अपने इस शक्ति को देखता हूँ, मैं साइलेंस में महसूस कर रहा हूँ। आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी, माई रियल फ्यूचर, बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ लाइट एंड हैविंग द पावर। डेढ़ घंटे का सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इस दौरान कुछ बातें ही ऐसी की गई जिन्हें रोकने की मेरी इच्छा ही नहीं, और आपकी उपस्थिति कहती कि आपकी सुनने की भी इच्छा कम नहीं हुई थी। ऊपर परमात्मा से जो हमें ये मौका मिला उसका हम दिल से शुक्रिया करते हैं। अंबिका बहन जी एज एवर हमारे बीच में, वैसे कहा जाए तो उनके निमंत्रण पर ही आप आए हैं, और उन्होंने ही आप सबको एक परिवार का एक
सभ्य बनाया उनका भी दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाटकर साहब कल रात को 1 बजे पहुँचे थे और आज 1 बजे तक आपके सामने बिल्कुल हेल एंड हार्टी उपस्थित हैं और अपने मन की बात आपके बीच में रख सके हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय मिश्रा जी, सहज भाव से अपनी जो वृत्तियाँ हैं उन्होंने बड़ी प्रोएक्टिव रखी हमारे लिए और बड़े प्यार से सामने से अपना परिचय देने के लिए पहुंच गए। देखिए इतनी सरलता होती है। कहते हैं वृक्ष जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें फल लगते हैं तो वो झुकता है। उनकी सरलता उसके लिए और उनके अद्भुत और अच्छे सजेशंस के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एकता बहन ने हम सबको उस ऊपर वाले के साथ एक होने का भी मौका दिया। ये स्पाइनल इंजरी टीम की भी मैं अने खुशी व्यक्त करता हूँ उनकी उपस्थिति और इस मौके पर सबने उस सीडी का उस प्रेजेंटेशन का अनावरण किया इसके लिए भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय सरोज दीदी भी हमारे बीच में जो दिल्ली से आई हैं और बहुत बड़ा काम वहाँ पे ये हो रहा है, उनके आसपास के इलाके में जो भी रिसर्च वर्क हो रहा है उसकी वो संभालती हैं। ऐसे सरोज बहन का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में एक छोटी सी बात करके मेरी ये समारंभ को प्रभु स्मृति के लिए आगे बढ़ाता हूँ। कहते हैं कि फिनिक्स नाम का पक्षी हर 500 साल बाद अपने आप में से ही अग्नि प्रकट करता है और फिर भस्म होकर उसी राख में से पैदा होता है और वो 7 सीज 7 हिल्स में कहीं रहता है। उन 7 हिल्स के नाम सुनिए और फिर परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार रहिए। उन 7 हिल्स का नाम है विश। अगर दिल में तमन्ना है तो मिलेगा। दूसरी हिल का नाम है लव। दिल में प्यार है तो बनेगा। तीसरी हिल का नाम है स्किल। चौथी हिल का नाम है एक्सेप्शन। पांचवी हिल का नाम है वननेस। छठी हिल का नाम है सरप्राइज। वैसे सरप्राइज के बदले में मैं उसको विस्मय ज़्यादा बोलना चाहूँगा। और आखिरी हिल है कि हम जहाँ हैं जिसमें हैं उससे थोड़ा अलग होकर अपने आप में से एब्सेंट होकर कहीं और जुड़ जाएं, वो एब्सेंस 7वीं हिल का नाम है। ऐसे हम अपने आप में से अपने आप को जगाने वाले बन जाएं और एक नया रिजुविनेशन हमारे अपने आप में करें, इस भावना के साथ प्रभु स्मृति। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन।